मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर। मां नर्मदा के आंचल और भेड़ा घाट की संगमरमरी चट्टानों के बीच बसा ये शहर समृद्ध संस्कृति एवं प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। इस खूबसूरत शहर में हर तरफ सफाई रहे, कचरे का सही प्रबंधन हो और शहर का नाम देश के स्वच्छ शहरों में गिना जाए, इसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिक निगम द्वारा स्वच्छता के सभी पहलुओं पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ करने का फैसला किया है, लेकिन ये अभियान केवल सरकार का अभियान नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी यह फैसला किया है कि 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में स्वच्छ मध्य प्रदेश अभियान चलाएगी और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करेगी। देश भर के शहरों में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में जबलपुर की स्थिति जब चिंताजनक नजर आई तो नगर पालिक निगम की पूरी टीम ने जबलपुर को पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त बनाने की ठान ली और शुरू कर दी कवायद जबलपुर को स्वच्छता में देश का नंबर एक शहर बनाने की। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने भी हम सभी लोगों को नगरीय निकायों में सभी महापौरों को अपने अपने शहर के लिए ODF के लिए सबको निर्देशित किया और हम उसी गाइडलाइन पर चलना शुरू किया। सबसे पहले निगम द्वारा शहर के हर वार्ड में जाकर सर्वे किया गया और पता लगाया गया कि कौन कौन से स्थान खुले में शौच से प्रभावित हैं एवं कहां कहां जरूरत है शौचालय बनवाने की। सर्वे होते ही कई तरह की मनोरंजक गतिविधियों द्वारा लोगों को जागरूक किया गया और उन्हें शहर को स्वच्छ रखने और शौचालय बनवाने की समझाइश दी गई। हमने हर वार्ड में ऐसी चिन्हित बस्तियाँ की कि कहाँ पर खुले में शौच हो रहा है और कहाँ कहाँ टॉयलेट नहीं है, तो हम सभी लोगों ने एक मेहनत के साथ ऐसे चिन्हित करके बस्तियाँ चिन्हित करके हम लोग वहाँ पर गए और उनको व्यक्तिगत टॉयलेट बनाने के लिए उनको प्रेरित किया। लेकिन इन प्रयासों के बाद भी शहर का एक बड़ा हिस्सा नियमित रूप से खुले में शौच के लिए जा रहा था। स्थिति को देखते हुए नगर पालिक निगम ने अपनी गतिविधियों में तेजी दिखाते हुए शहर के कुछ अशासकीय स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा। शुरू में सर्वे करने से लेके कंस्ट्रक्शन में फिर उसके क्वालिटी मॉनिटरिंग में हर लेवल पे अलग अलग NGOs को लगाया गया और उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, चूँकि लोगों से इन्वॉल्व होकर काम करने का उनका तरीका अलग होता है, इसको हम लोग इनकैश किया। महापौर एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा गली मोहल्लों में रैलियां की गई, जनता से सीधा संवाद किया गया एवं स्वच्छता के इस मिशन को आंदोलन का रूप दिया गया। बच्चों ने इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई। अगर जनरल स्वच्छता की भी बात है तो जबलपुर ने हर स्कूल के हर कक्षा में एक सिटी गार्जियन क्लब बनाया है, उसके 56,000 बच्चे हमारे मेंबर्स हैं। उन लोगों ने भी कई लेवल पर मोटिवेट किया लोगों को, जिससे घर घर में ये हमारी बात पहुँच पाई कि स्वच्छता कितना आवश्यक है, सैनिटेशन की कितनी आवश्यकता है। और बच्चों में जब प्रतिस्पर्धा आई कि हमारे पड़ोसी के यहाँ टॉयलेट है, हमारे यहाँ कैसे नहीं, कहीं ना कहीं ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी कि अगर हमें साफ़ सुथरापन या शहर को साफ सुथरा रखना है तो ODF करना शहर को बहुत आवश्यक था। स्वच्छ जबलपुर बनाने की इस प्रक्रिया में प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे रोज की कार्य प्रणाली की रूपरेखा पर विचार किया जाता है, जिसमें आयुक्त नगर पालिक निगम के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित होते हैं। इस तरह नगर पालिक निगम ने बस्तियों में मात्र 1,360 रुपए सहयोग राशि लेते हुए लोगों के लिए व्यक्तिगत टॉयलेट बनाए। जहां व्यक्तिगत शौचालय बनाने में परेशानी थी, वहां कम्युनिटी टॉयलेट्स बनवाए। जो पहले से बने थे उनका पुनर्निर्माण करवाया गया, साथ ही शहर के कुछ भीड़ भरे चुनिंदा स्थानों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पब्लिक टॉयलेट्स भी बनवाए गए। इस सब के अतिरिक्त
शहर के कुछ चुनिंदा स्थानों पर प्रीफैब टॉयलेट्स रखवाए गए हैं, जो कि पूरी तरह से मेंटेनेंस फ्री होते हैं। प्रीफैब के अलावा शहर में आसानी से इंस्टॉल होने वाले प्रीकास्ट टॉयलेट्स भी बनवाए जा रहे हैं। इस तरह से अब तक शहर में लगभग 40,000 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। जो लगभग 40,000 इंडिविजुअल टॉयलेट्स हम बना पाए हैं, ये तभी संभव हुआ जब लोगों का डिमांड आया, लोगों को लोग कन्विंस हुए कि इससे कैसे सहूलियत होती है। टॉयलेट बनने के कारण जहां ओडी बंद हुआ वहां बच्चों ने खेल का मैदान बना लिया। इस तरह के सक्सेस स्टोरीज सामने आते गए और हमारे अभियान को बल मिलता गया और तभी जाके हम उस मुकाम पर पहुँच पाए। और जिसके बाद फिर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने वो सर्टिफिकेट दिया कि जबलपुर क्लीन सिटी है और ये ओपन डिफेकेशन फ्री है। यही नहीं, फीडबैक पोलिंग स्टेशन द्वारा शौचालयों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जाती है, जिसमें आम जन शौचालय की साफ सफाई के बारे में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। शहर में कचरे के प्रबंधन के लिए अब वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्लांट भी लगाया जा चुका है। नगर पालिक निगम के सफाई कर्मियों द्वारा हर रोज शहर के वार्डों से इकट्ठा किया गया कचरा इसी प्लांट में लाया जाता है और आधुनिक तकनीक से डीकंपोज्ड कर दिया जाता है। इस तरह से स्वच्छ जबलपुर बनाने में जुटा नगर पालिक निगम हर तरह से कारगर प्रयास कर रहा है। इन सभी कोशिशों की बदौलत वो दिन दूर नहीं जब ऐतिहासिक विरासतों एवं आदर्श मंदिरों वाला ये शहर खूबसूरती से जगमगाएगा और स्वच्छता में देश का नंबर एक शहर कहलाएगा। 2019 तक संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रत्येक घर में शौचालय होगा और मध्य प्रदेश को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने का काम हम पूरा कर लेंगे। आइए इस पवित्र अभियान से जुड़िए, मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाइए ताकि समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश भी हम बना सकें। पूरा करेंगे प्रण, जबलपुर नंबर 1।